नमस्कार, जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। जयनगर जनकपुर रेलखंड तैयार, ट्रेन परिचालन की तिथि अभी नहीं हुआ है निर्धारित, जल्द शुरू होने की संभावना। जयनगर वर्दीवास रेलखंड का निरीक्षण को लेकर जयनगर पहुंचे डीआरएम ने स्पेशल सैलून से ही जयनगर जनकपुर रेलखंड का दौरा कर जयनगर स्टेशन का निरीक्षण किया। जयनगर स्थित नेपाली स्टेशन का निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। इस मौके पर सीनियर डीईएम रवि कुमार, स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मालिक, इरकॉन केजीएम रवि सहाय, सीडब्ल्यूसी राम कुमार राय, आपीएफ प्रभारी समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। समस्तीपुर डीआरएम ने कहा, जयनगर जनकपुर नेपाल रेलखंड पर रेल सेवा बहाल करने को लेकर नेपाल सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। नेपाल सरकार द्वारा हरी झंडी मिलते ही दोनों देशों के बीच रेल परिचालन शुरू हो जाएगी। रेलवे स्टेशन का निरीक्षण को लेकर डीआरएम आर के जैन अपने स्पेशल सैलून से जयनगर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात कर सैलून में सवार होकर नवनिर्मित जयनगर जनकपुर रेलखंड के निरीक्षण को रवाना हो गए। बातचीत के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जयनगर जनकपुर रेलखंड बनकर तैयार है। ट्रायल रन के बाद ड्राई रन भी सफलतापूर्वक की जा चुकी है। अब इंतजार है नेपाल सरकार की रेल परिचालन को लेकर हरी झंडी की। ट्रेन परिचालन शुरू होने की संभावित तिथि के सवाल पर उन्होंने दो देशों के मामले के हवाले देते हुए कुछ भी बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि रेल प्रशासन यात्री सुविधा को लेकर कटिबद्ध है। ये सर क्या विजिट करने आए हैं कि कभी भी फ्यूचर में इनॉग्रेशन हो सकता है, इसके लिए तैयारियां किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए विजिट करने के लिए? और मैं तो इंस्पेक्शन करता हुआ आ रहा हूँ, मैं समस्तीपुर से जयनगर स्टेशन से भी करता हुआ, एक ये आस्पेक्ट भी देख रहा हूँ साथ में। और फाइनलिटी अभी कुछ भी नहीं है प्रोग्राम में, इसलिए मैं कुछ आपको बता भी नहीं सकता। अभी हमारा इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंट ऐसा नहीं कि मैं मीडिया को कुछ नहीं बताऊँगा। अच्छा, ये जो दो तारीख की बात आ रही है कि दो तारीख को उद्घाटन किए जाएंगे दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्या ये गलत है? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इसलिए ना, मैं सही है ना गलत है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जब तक मेरे पास कोई भी चीज़ रिटर्न में कन्फर्म होकर नहीं आती है, तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं। सर, आपको क्या करेंगे? रिटर्न में कुछ नहीं आया है? रिटर्न में कुछ नहीं आया है? क्या उम्मीद लग रहा है सर? उम्मीद ये है कि इनॉग्रेशन होना चाहिए और अप्रैल में होना चाहिए। उसका जब तक पूरा हमारे पास डेफिनेट गाइडलाइन नहीं है, तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। हमारी संभावना है कि संभावना है, लेकिन संभावना ही है ना, जब तक कि कोई भी रिटर्न में नहीं है। तो 2 अप्रैल वाली बात को दरकिनार किया जाए? मैं नहीं कह रहा दरकिनार। यात्रियों कृपया ध्यान दिए, गाड़ी संख्या 1106-2 पवन एक्सप्रेस जे जयनगर सौ चलकर दरभंगा समस्तीपुर छपड़ा होए लोकमान्य तिलक तक जाए 13-22-0 प्लेटफॉर्म संख्या 3। ट्रेन नंबर 0 से 2 पवन एक्सप्रेस 2 जयनगर 2 लोकमान्य तिलक 12 दरभंगा समस्तीपुर छपड़ा प्लेटफॉर्म नंबर।